सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 कुछ चंद घंटे ही बचे हैं इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप अपने ऊपर भरोसा करके इस परीक्षा में कल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आपने कहीं से भी कोई प्रिपरेशन करी हो, चाहे आपने किसी कोचिंग के माध्यम से की हो, चाहे खुद से सेल्फ स्टडी की हो, या हमसे आपने पढ़ाई करके इस परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हो, आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपको डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, आपको डिमोलाइज करे। मैं आज आपको प्रेरित करने का काम, खुद के ऊपर विश्वास जताने का कार्य, ऐसी ही बातों को आपके सामने मैं स्पष्ट करूंगा और रखूंगा। निश्चित तौर पर जब परीक्षा हमारे सामने होती है तो अपने ऊपर जो सिंसियर होते हैं उनके अंदर एक प्रेशर तो होता ही है, और वह प्रेशर होना भी चाहिए। उस प्रेशर से ही आप प्रेरित होकर के इस परीक्षा में बेहतर करते हैं। कल जब पहला शिफ्ट कंप्लीट होगा, हम पूरी एग्जाम एनालिसिस के साथ आपके सामने रहेंगे। आप अपने किए कराए प्रश्नों को, हल करे हुए प्रश्नों को देख सकेंगे, कैसे हम आपको कैसे आपने उस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। दूसरे शिफ्ट के लोग उससे समझ करके अगली शिफ्ट में हो सकता है कुछ एडवांटेजेस ले सके, इसका हमारे तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टीम की तरफ से, जितने भी अध्यापक गण हैं उनकी तरफ से, जितने भी अलग अलग सदस्य हैं उनकी तरफ से आप सभी को इस परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ टेक्निकल बातें भी मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, कुछ मोटिवेटिव बातें भी स्पष्ट करूंगा। मेरे इस वीडियो को आप 2 मिनट तक सुनिएगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि यह परीक्षा है जो निश्चित तौर पर आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस परीक्षा के का प्रेशर अपने ऊपर इतना डाल दें कि हम अपनी आई हुई चीज़ों को, जो हमें पता है, जो हम जानते हैं, उसको भी भूल जाएं। परीक्षा के पहले का जो समय होता है वो बहुत संतुलित रहने का होता है। सभी तरह से जितनी या सभी प्रकार की जितनी जानकारियां होती है उसको अपने दिमाग में संतुलित वे में रखने का और उसको सही उपयोग में लाने का वक्त होता है। जितनी छोटी छोटी, देखिए आपने जो विषय पढ़े हैं उसको मुख्य रूप से आपने तैयार कर लिया है, और अब आगे तैयारी पॉसिबल नहीं कि फिर से हम उसके लिए बहुत ज़्यादा इफर्ट करें और नई चीज़ों को प्रिपेयर करें। नहीं, पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को ही समय आपको अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए रिवाइज करते रहना चाहिए जब तक कि आप परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो छोटी छोटी जरूरत की चीज़ें हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एग्जाम हॉल के अंदर, उसको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मैं वो सब कुछ भी स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले जितनी भी आवश्यक बातें हो सकती हैं, परीक्षा केंद्र में पहुंचने तक, परीक्षा के पहले अपने आप को तैयार करने तक, ये सब बातें मुझे लगता है कि एक अभ्यर्थी के तौर पर आपको अवगत होगी, आप जानते होंगे। एक सबसे बड़ा चेंज यह है, परीक्षा पहली बार ऑफलाइन होने जा रही है। अभी तक ऑनलाइन मोड में परीक्षा होती थी, तो एक प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे नेचर के अगेंस्ट होता है ऑनलाइन। जब भी परीक्षा ऑनलाइन होती है तो कई चीज़ें हमको नई सीखने को, या हम जिसके बारे में अवेयर नहीं होते, नहीं जानते हैं, उससे हमें फेस करना पड़ता है, नए चैलेंजेस को देखना पड़ता है। अब यह ऑफलाइन मोड पर है तो निश्चित तौर पर आपके पास बुकलेट होगी, आपके पास OMR होगा। कुछ छोटी मोटी बातें ही हैं जिसको मैं आपको कहूँगा कि ध्यान रखिएगा जब आप परीक्षा देने जाइए। 2 प्रकार का पेपर है, आपको पता है कि आप या तो प्राइमरी में पार्टिसिपेट करेंगे या तो जूनियर में, या तो हो सकता है दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे। विषयों का क्रम आपको पता है, CDP Language 1, Language 2 मैथ्स EVS प्राइमरी के लिए, CDP Language 1 Language 2 मैथ्स साइंस वर्ग के लिए, और SST सोशल वर्ग के लिए। 150 मिनट का पेपर है, 150 क्वेश्चन का पेपर है। सबसे अच्छी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को हल करके आना है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब बात यहाँ पर Language 1 की आती है और Language 2 की आती है, जैसे आपने सीक्वेंस फिल किया होगा उसी क्रम में आपको पेपर देना होगा। क्योंकि जब Language 1, जब आप पूरी बुकलेट देखेंगे तो जब Language 1 का सेक्शन जब ओपन होगा, क्योंकि OMR की जो सिटिंग जो मार्किंग होती है इसी बेस पर तैयार की गई होती है। कभी कभी हम सब कुछ अच्छा करके भी चीजें खराब कर देते हैं। जब आप Language 1 का पहला सेटअप या पहला पेज ओपन करेंगे तो वहां पर सभी विषय साथ में रहेंगे, हिंदी भी रहेगा, संस्कृत भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, जो जो विषय Language 1 में आते हैं वो सब रहेंगे। अर्थात आप देखेंगे कि हिंदी है, संस्कृत है, और अगर मान लीजिए आप यहाँ से रिलेट करते हैं UP से, तो आप निश्चित तौर पर हिंदी संस्कृत पर आपका फोकस ज्यादा होगा और इंग्लिश है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो Language 1 में है, पहले हिंदी कंप्लीट किया फिर आपने संस्कृत कर दिया, तो आपको लगा कि हम दोनों लैंग्वेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ही आप Language 2 ओपन करेंगे तो फिर से वही विषय क्रम आपको दिखेंगे, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अभी तो ऊपर हम वही करके आए, नीचे फिर वही दिख रहा है, और आप अब इसको या तो छोड़ के चलेंगे तो आपकी जो मार्किंग अरेंजमेंट है, जो OMR की हो, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आपको जैसा क्रम आपने फॉर्म भरते समय आपने जिस क्रम का उपयोग किया था
उसी क्रम का उपयोग करिएगा। लैंग्वेज वन में जिस लैंग्वेज को आपने प्रिफर किया था उसको हल करिए, बाकी विषयों को छोड़ दीजिए। लैंग्वेज टू में आइए, आप सेकंड जो लैंग्वेज प्रिफर किए थे उसको हल करिए लैंग्वेज टू में आकर, और बाकी विषयों को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से इस लैंग्वेज का सेटअप दोनों के लिए, प्राइमरी और जूनियर आपको दोनों के लिए कंप्लीट करना है। फिर मैथ्स का सेक्शन आएगा, ईबीएस का सेक्शन आएगा, इसको डन करिएगा। या इधर अगर आप हैं तो मैथ साइंस का सेक्शन आएगा जो 60 मार्क्स का होता है, 30 की मैथ 30 की साइंस, बाकी 30-30 के आपके हैं 150 नंबर का। इधर या तो एसएसटी रहेगा आगे का भाग। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आप तकनीकी रूप से देखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता था। देखिए शुभकामनाएं तो है ही है, हमारी बेल विशेष भी है, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आप अच्छा करें, बेहतर करें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, यह परीक्षा है, परीक्षा आपने जितने सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से दी वही इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा परीक्षा में जो पहला कदम होता है जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं वो हमको मोटिवेट करता है। जैसे कभी कभी हम किसी एग्जाम हॉल में जाएं, कोई आप जैसे बुकलेट ओपन करें, पहला प्रश्न आपने देखा, आपके अंदर एक जैसे एक जुनून सा रहता है कि हम इसको हल करके आगे बढ़ें। कभी कभी हम उस हल करने के चक्कर में अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि आई बातें भी या जो हमें आती हैं वो भी हमारी खराब हो जाती है। हमारा फोकस पहले स्टेप को बहुत स्मूथ करना है, मतलब पहले प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हल करना है। मैं ये पहले प्रश्न की बात एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूं, वह पहला प्रश्न जिसको आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। जैसे ही एक प्रश्न आप हल करेंगे और अच्छे से हल करेंगे और उसका उत्तर देंगे, निश्चित तौर पर अगले प्रश्न के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आपने गलती करी कि आपने उस प्रश्न पे खूब समय दिया, अपने आप को इधर उधर में डिस्टर्ब किए, तो आगे के आते हुए प्रश्न भी आपको आपके दिमाग से चले जाएंगे। तो पहले आप कॉन्फिडेंट प्रश्नों पर जिनको आप हल कर सकते हैं उन पर फोकस करिए, एक राउंड मारिए। सेकेंड स्टेप में आपको ऐसे भी प्रश्न नजर आएंगे जो थोड़ा बहुत आपके अंदर दिमाग में थे, कहीं से मिस हो रहे थे, वो भी आपके क्लिक होने शुरू हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में बहुत टफ प्रश्न थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी हो सकता है उसके कुछ भाग आप डन कर लें। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का आपके नंबर्स को बढ़ा सकता है। लेकिन फोकस ये करिए कि हमें प्रश्न आए, और अगर हम आते हुए प्रश्नों के साथ चीजों की शुरुआत करेंगे तो आपको एक एनर्जी जरूर देगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज को फील कर सकता हूं और इसको आप भी फील करिए। ज्यादा समय आज लूंगा नहीं मैं आपका, आपने अच्छी तैयारी की है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप ये मानिए आप सबसे बेस्ट पढ़े हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि अब यहां पर किसी भी प्रकार की तैयारी का समय नहीं है। अब जो है वही आपका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो किया है वो सबसे बेस्ट किया है, सबसे बेहतर किया है। आप सभी की जय हो, विजय हो, सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इतनी एनर्जी दे, इतनी शक्ति दे, और आपके पिन पर सरस्वती विराजमान हो। आप जब करें तो सब कुछ सही हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, पूरी टीम की तरफ से प्रार्थना है। आप सभी का कल दिन बेहतर हो, सूर्य की पहली किरण जब आपके सामने हो तो ऐसा लगे कि आज ही मेरे लिए सबसे सुनहरा वक्त है, और इस दिन को हम अच्छे से बिताएंगे, और शाम तक आपके अंदर एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा रहे जिससे आप मोटिवेट हो, आपको लगे कि आज का मेरा पूरा दिन सार्थक रहा। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।